बहुत अच्छा है, इनकी बड़ी फिल्म अभी ब्लॉकबस्टर हुई है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ही दिन में दो बड़ी फिल्म और इतने बड़े बजट की, एक अमेरिका में हो रही है और निरहुआ इनका एक ब्रांड बन चुका है। सो ये ग्रोथ हमारी होती है इंडस्ट्री की, इससे बहुत फ़ायदा होता है इंडस्ट्री को, चर्चा होती है और अभी आउटडोर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इससे दर्शक बढ़ेंगे, एक अट्रैक्शन और बढ़ेगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाओ, अभी इनकी एक फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, उसके बाद से ये दो बड़े मूरत, नो लुकिंग बैक फॉर हिम, अम्रपाली और इनकी जोड़ी और इसके साथ अभी इनके प्रोड्यूसर जो रिपीट इनको कर रहे हैं, नासिर जमाल भाई इनके साथ सारी फिल्में बनाते हैं, इससे पता चलता है कि दिनेश लाल यादव एक ब्रांड है जिनको लेके आप सेफ हैं एंड यू नो इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग विद हिम, ये बहुत अच्छी बात है। हम दोनों की एक फिल्म अभी आ रही है, हम लोगों की फिल्म काशी अमरनाथ एक फिल्म आ रही है, प्रियंका चोपड़ा जी बना रही है, हम लोगों ने फिल्म ख़त्म कर दी, वो बड़ी एक लास्ट मंथ ही हम लोगों ने ख़त्म की और ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। उसके बाद मंस आप देख ही रहे हैं कि सारे लोग खुश हैं, एक अच्छी शुरुआत होती है, बहुत लोगों को काम मिलता है, रोज़ी रोज़गार मिलता है, इंडस्ट्री की चर्चा होती है और भोजपुरी इंडस्ट्री जिस हिसाब से दिनेश अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं अपनी मेहनत ईमानदारी से, तो और उनका पूरा साथ दे रही हैं, ये बगल में खड़ी हैं जो मेरे राइट में हैं, अम्रपाली दुबे, इनको लकी मस्कॉट कहा जाता है। मैं फिल्म नहीं देखा, मैं अमेरिका में था, मैं अमेरिका से आया हूँ, तो मैं लेकिन मैंने उस फिल्म के लिए प्रमोशन किया था इनके फिल्म के लिए और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होनी थी, वो पता था और वो चौथे पांचवे हफ्ते में हाउसफुल चल रही है, सारे स्टेशन्स में रिपीट हो रही है, इससे बड़ी बात क्या है। बस यही कहना चाहूँगा कि नासिर जमाल जो प्रोड्यूसर हैं, इस फिल्म के निर्माता हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और रांची में आए थे मिलने के लिए, जब हम और भैया दोनों फिल्म कर रहे थे वहाँ काशी अमरनाथ, तो वहाँ एक फिल्म का मुहूर्त हुआ निरहुआ चला लंदन, तो इसके पहले नासिर भाई ने बनाया था निरहुआ चलल ससुराल 2 जो बहुत सफल हुई थी, तो बोले फिल्म अभी करना है, मैं बोला तो अभी क्या बनाइएगा, तो बोले कि निरहुआ चलल ससुराल 3 तो बनाऊंगा, अभी निरहुआ चलल लंदन हो गया तो मैं अब उसके आगे लेके जाऊंगा निरहुआ चलल अमेरिका, तो मैं बोला ठीक है अच्छी बात है। तो नासिर भाई हैं हमारे निर्माता और ये 2007 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनकी फिल्में कर रहा हूँ और भोजपुरी फिल्मों में जो मुझे स्टाइलिश प्रेजेंट किया वो इन्होंने किया, साउथ के प्रोड्यूसर हैं, वहाँ के डायरेक्टर को लेके आते रहते हैं, अभी जो जितेंद्र जी को इन्होंने लाया है जो साउथ के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो बहुत अच्छी कहानी उन्होंने लिखा है और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो हमें अभी तक निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में देखा, पसंद किया, अब निरहुआ चलल अमेरिका में उनको कुछ और अलग देखने को मिलेगा। और दोनों ही फिल्मों में मैं गांव के ही किरदार में हूँ और अमेरिका जैसा कि उन्होंने मुझे स्टोरी बताया, बहुत अच्छी स्टोरी है, एक लड़की जो यहाँ से जाके और अमेरिका में बहुत बुरी तरह फंस जाती है और फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ता है उसको वहाँ से बचा के लाने के लिए, और उस बचाने में क्या क्या ताना बाना बुनता है, फिर वहाँ हीरोइन भी मिलती हैं, तो बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया है स्क्रिप्ट, बहुत मज़ा आने वाला है। और वो भैया पे डिपेंड करता है, मेरे भैया जहाँ जहाँ जाते हैं मैं पीछे पीछे जाता हूँ, अभी हम लोग शूटिंग कर रहे थे काशी अमरनाथ की, तो भैया वहाँ शूटिंग कंप्लीट किए और अमेरिका गए, अमेरिका जाके शूट कंप्लीट करके आए तेलुगु फिल्म की, तो वहाँ से बात होती थी हम दोनों की, तो मैं बोला भैया आप वहाँ से जैसे आएंगे फिर मैं यहाँ से तैयारी करके पहुँचता हूँ। अभी हम लोग भोजपुरी अवार्ड कर रहे हैं लंदन, हम लोग सब साथ में वहाँ परफॉर्म करेंगे, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि भोजपुरी अब लंदन में भी शूटिंग होती रही लेकिन अवार्ड भी हर साल मॉरिशस हुआ, दुबई हुआ, अब लंदन हो रहा है। अब नासिर भाई को धन्यवाद साधुवाद कि ये अमेरिका लेके नहीं जा रहे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, और अमेरिका में जाएंगे तो आप लोग को मैं बताऊँ, मैं शिकागो में था
वहाँ भोजपुरी समाज बहुत बड़ा है, लोगों ने सम्मान किया, तो बहुत सारे भोजपुरी लोग खुश हो जाएंगे जब ये शूटिंग अमेरिका में होगी। हम लोग का समाज वहाँ पर बहुत बड़ा है, और जो कैनेडी के टाइम से 1967 से है, और बड़े डॉक्टर्स हैं, नासा में साइंटिस्ट हैं, सो ये बड़ा अच्छा होगा। दोनों फिल्म का मैंने सिनॉप्सिस सुना है, ससुराल 3 और निरहुआ चलल अमेरिका, दोनों ही बहुत अच्छी कहानी है। और निरहुआ चलल अमेरिका जो अभी सबसे ज़्यादा तकलीफजनक जो मुद्दा है उसके ऊपर बना रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, सो आई थिंक बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी और लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मेरा वही, मुझको एक्चुअली लगता है सबको कि यही सूट करता है, बिगड़ैल नकचड़ी टाइप की, जो मैं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी सीधी लड़की हूँ, और फिर भी मुझे ऐसे ही रोल देते तो एक निरहुआ चलल अमेरिका में तो एक NRI का रोल है, और ससुराल 3 में एक नॉर्मल नकचड़ी लड़की। Planet Bhojpuri।